आलम पड़ जाए ना कि बबलू आ रहा है, तो जैसे वो पिछले जमाने देखो में, देखो कौन आया बबलू, देखो कौन आया बबलू आया है। एक क्या बोलते हैं करोलबाग स्टेशन है, करोलबाग स्टेशन पे ओरियन कंपनी के गार्ड मिले मुझे। उन्होंने बोला सर मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कि क्या परेशान हो? कि सर मुझसे 80,000 रुपये कुछ सुपरवाइजरों ने और मैनेजरों ने मुझसे लिए हैं और मुझे नौकरी दिया, जीएसटी के नाम पे 2,000 रुपये लिए जाते हैं। तो मैंने कि आपके खिलाफ, आपकी कंपनी के खिलाफ अगर आवाज़ उठाएंगे तो आप खड़े होंगे? कि सर मेरा नाम मत लेना, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हम आपके साथ खड़े होंगे, आप जंतर मंतर पर धरना धरिए, वहाँ पर आ जाएंगे। मैं ओरियन कंपनी को वालों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी सुधर जाइए। पटेल चौक संसद मार्ग सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के सामने, और आज वही फौलादी इरादों के साथ, वही लोह पुरुष के इरादों के साथ कुछ लोग डटे हुए हैं मैदान में। और ये डटे हुए इसलिए हैं कि इनको प्रेरणा मिलती है पटेल से, इनको प्रेरणा मिलती है लोह पुरुष से, देश के पुरुष से। वो कैसे थे, क्या सोच थी, जिन्होंने सब राजे रजवाड़ों को झुका दिया था उस समय और एक भारत का निर्माण किया था, उनकी क्षमता का कौन लोहा नहीं मानता। और आज उसी पटेल की मूर्ति के आगे कुछ प्रण करके कुछ लोग खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है सर? बबलू सिंह मेरा नाम है। बबलू जी, दृढ़ इच्छा है? जी इच्छा है, और लोहे की तरह बन चुके हैं, थे नहीं, लोगों ने बना दिया है, डरा के धमका के सारी चीज़ हथकंडे अपना करके। अब हम डरने वाले नहीं हैं, इनको सबक सिखा के काम करेंगे। पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि हमारे धरने में कुछ डिले हुआ, उसे कुछ परिस्थितियाँ भी आई हुई हैं और कुछ ऊपर से तनाव भी था लोगों के ऊपर, इस तरीके से हमें परमिशन नहीं मिल सकी। आज मुझे डीसीपी साहब के यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो 25 जून की जेएमडी के मेट्रो के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ परमिशन आज मिली हुई है। अब मेरा जो 20 तारीख, आपको ये आशा है कि 25 तारीख की परमिशन मिल जाएगी आपको? मिल जाएगी, पूर्ण भरोसा है, मिल जाएगी, नहीं मिल गई है। दूसरी बात, अभी तक मैं, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, परमिशन नहीं मिल चुकी, 20 तारीख की भी दी और आगे भी दी, नहीं मिल सकी। मगर आज जो कहते नहीं है, जिसके इरादे लोहे जैसे होते हैं उसको कहीं ना कहीं सफलता मिल ही जाती है, तो सफलता मिलना बहुत तय है। मैं आज मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जब तक मैं दिल्ली मेट्रो के अंदर जेएमडी का भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं कर देंगे, तब तक अपनी हम हार नहीं मानेंगे। जेएमडी को हारना पड़ेगा, इसको हार का सामना करना पड़ेगा। अभी ये लोग डरा के धमका के ये सोच रहे होंगे बबलू को डरा देंगे धमका देंगे, मगर डरने वाले नहीं हैं, इनको सबक सिखाने का काम हमारे साथ ही और हम करेंगे। ये जो डराने धमकाने की बात है, लगातार आप मुद्दा उठा रहे हो, 4-5 बार आपने जंतर मंतर पे धरना दिया, फिर से नई परमिशन मिल गई, क्या किस तरह की धमकी आ रही है और किस तरह का प्रेशर है आपको? देखो, हमारे अंदर पहले जोश था वही अब है, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं। इंसान को मरना तो एक दिन होता है, आज मरे चाहे कल मरे, वो मरना होता है। जो प्राइवेट कंपनियों में मेट्रो के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीब लोगों से 1 से 1.5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। एक ओरियन कंपनी जो मेट्रो के अंदर काम करती है, ओरियन जो गार्ड में जो टोकन चेक करने का काम करती है, उसके कुछ मैनेजर, कुछ सुपरवाइजरों के फर्जी डॉक्यूमेंट हैं, उनकी जांच मैंने चालू कर दी है और उनको सब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो। जी आरोप नहीं है, सत्य है। उनके पिताजी का नाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कुछ है और उसमें बदल कर करके जो प्राइवेट कंपनी मेट्रो के अंदर उसमें काम किया है, अब वो ओरियन कंपनी के मैनेजर हैं, उसमें काम कर रहे हैं। कुछ सुपरवाइजर भी ऐसे हैं दिल्ली मेट्रो में, प्राइवेट कंपनी फर्जी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं इनके। ये तो बहुत खतरे की बात है, खतरे की बात, इनको जेल जाना पड़ेगा। कुछ गुंडों ने जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट, उनको उन्होंने मुझे धमकाया फोन पर, उनकी रिकॉर्डिंग भी है और लोगों से कहते फिर रहे हैं बबलू को मैंने धमका दिया है, अब वो मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। उनको मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ, तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे होना होगा और तुम जेल जाओगे, और जो तुमने जो 18,000 की सैलरी में तुमने जो 1 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, उसकी भी CBI जाँच होगी, आज से जवाब लिया जाएगा कि आपकी संपत्ति कहाँ से आई है। हम हार मानने वाले नहीं है, हार मानने वाले नहीं हूँ। आप आरोप लगा रहे हो तो वक्त पे सबूत पेश करो, ऐसे वक्त पे सबूत पेश करेंगे, दिल्ली मेट्रो इनके खिलाफ सबूत देगी, RTI के थ्रू ये इनके डॉक्यूमेंट निकाले जाएंगे, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कुछ नाम होगा, पिताजी का नाम, पिताजी जन्म से पैदा होते हैं, उसके एक पिताजी होते हैं या दो पिताजी होते हैं?
इंसान के एक पिताजी होता है, दो पिताजी नहीं होते हैं। दो दो बाप हैं, दो दो पिताजी हैं। एक तो आधार कार्ड में दूसरे पिताजी हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में दूसरे हैं। ये कौन से कानून और संविधान में लिखा है कि आप अपने पिताजी के नाम चेंज कर सकते बीच में? नहीं कर सकते ना। ये सत्य है या असत्य है? ये कानून के खिलाफ है या नहीं, आपको भी पूछना चाहूंगा मैं। ये तो बहुत ही गंभीर मामला है, तो क्या मेट्रो के संज्ञान में भी कुछ लिख के दोगे उनको? देखो, इतनी बड़ी मेट्रो, मेट्रो के संज्ञान में कुछ नहीं होता है। जब लोग पीछे पड़ जाते हैं, उनसे जानकारी ली जाएगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप इन्फॉर्म करोगे मेट्रो को? इन्फॉर्म कहीं नहीं करेंगे हम, आईटीआई के थ्रू उनके सारे डॉक्यूमेंट निकलवाएंगे, जितनी कंपनियों में काम किया है वो निकलवाएंगे। कुछ सबूत मेरे पास दाएं बाएं इनके साथियों ने दे भी दिए हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा आप सतर्क हो जाइए, और जिस नौकरी पे आप नौकरी कर रहे हो उसको रिजाइन दे दीजिए बहुत जल्द, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा आपकी। और आपकी कोई और योजना है? लगातार धरना तो आप कर ही रहे हो, किसी और तरीके से लीगल, जैसे आपने पहले भी कहा था कानूनी, कुछ लोगों ने केस किए हैं, बहुत सारी कुछ और योजनाएं, किस तरीके से दबाव बनाएंगे? दबाव, देखो दबाव बनाने को इंसान बनाता ही है, मगर दबाव जो डर गया वो मर गया। इंसान को मैंने आपको एक ही बात बताई, इंसान को एक बार मरना होता है। तो मेरे माँ बाप ने कह दिया है कि बेटे जब तक जेएमडी का खात्मा नहीं करके आओ और जब तक दिल्ली मेट्रो का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो, तब तक बेशक चाहे शहीद हो जाना, दिल्ली से वापस मत आना। मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक इसका खात्मा खत्म। लोग तो कह रहे हैं कि बबलू भाग गया। बबलू भाग नहीं गया, तुम भाग गए, तुम चोर हो, तुम डरने लगे। बबलू रहेगा तब तक बच्चों को ड्यूटी भी मिल रही है, बटोर डर ही रहे हैं। आए भर्ती नहीं कर रहे तो बबलू की बदौलत नहीं कर रहे हैं कि भर्ती करेंगे तो बबलू आ जाएगा। मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा, यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब मेट्रो में कोई भर्ती होती है तो मैनेजर कहता है ठीक से करो वरना बबलू आ जाएगा, ऐसा? अरे अभी इन्होंने एक सिस्टम चला रखा है, 2 साल का ये कार्ड बनाते हैं। अब इन्होंने एक भर्ती नहीं करा, रीजॉइनिंग का पैसा ले रहे हैं, उसकी भी मेरी टीम लगी हुई है, उसके भी कुछ सबूत आ रहे हैं। जीने नहीं दोगे मेट्रो वालों को? जीने मेट्रो वालों को नहीं, इन कंपनी वालों को, भ्रष्ट कंपनी जो राजा बने बैठे हैं ना, गरीब के पैसे से राजा बने बैठे हैं, इनको बोलना चाहूंगा सुधर जाइए। इन गरीब बच्चों की हाय बहुत बुरी पड़ेगी और इनको न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर तुम घबराए हुए नहीं हो तो धरने से क्यों डरते हो? करारा जवाब मिलेगा। अधिकारियों को क्यों बोलते हैं परमिशन मन दे देना है? वो कहते नहीं है, जिसके दिल में हौसला होता है जीत उसी की होती है। हौसले बुलंद होना चाहिए, मेरे हौसले बुलंद हैं, मेरे साथियों के हौसले बुलंद हैं। कितनों के डराओगे? मगर मैं, इन्होंने एक लोग से खबर पहुंचा, तुम कितने बबलू डराओगे, हर घर से बबलू निकले। इन्होंने ये कहा है कि बबलू को पटा लो कि बबलू चला जाएगा तो धरना बंद हो जाएगा। मैंने कि बबलू बिकने वाला नहीं है और बबलू डरने वाला नहीं है। मैंने आज कह दिया है उनसे, आज फिर कहना चाहूँगा कि एक बबलू मरेगा 1000 बबलू पैदा हो जाएंगे। अब बबलू अमर हो गया है, गरीबों की, इन भाइयों की ताकत मिल चुकी है, और क्या बोलते हैं, दिल्ली मेट्रो में इतना भ्रष्ट हो रखा है कि जिसकी सीमा नहीं। आप 500 का नोट देंगे तो उसमें 100 रुपये काट लिए जाएंगे, और आप 2000 का नोट देंगे तो सीधा 500 का नोट, इसके प्रूफ भी मेरे पास हैं। और कोई भी बच्चा ड्यूटी नहीं करना चाहेगा, कोई भी बच्चा ड्यूटी करना चाहेगा तो चोरी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसके अंदर भी मजबूरी होती है। इनको GST के 5000 रुपये चाहिए, 2000 रुपये GST के चाहिए। कुछ स्टेशनों पर जो ओरियन कंपनी के गार्ड हैं वो बता रहे हैं कि सर हमसे चोरी करवाई जाती, मैं करना नहीं चाहता हूँ, और उनके 3-3 महीने तक सैलरी तक नहीं दी है। कुछ ये भी है कि ओरियन कंपनी में 3 महीने से कुछ बच्चों की सैलरी भी नहीं मिली है। तो ओरियन कंपनी को भी मेरे पास काफ़ी एविडेंस आ चुके हैं, उन्होंने बोला कि आप JMD और ओरियन के खिलाफ हवाई उड़ा रहे और कंपनियों के खिलाफ क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो मैंने कि मेरा कोई पिताजी नहीं लगता, मेरा कोई बाप नहीं लगता, मेरा कोई भाई नहीं लगता, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता, कि आप पे अगर उनके खिलाफ, दूसरी कंपनियों के खिलाफ आपके पास एविडेंस हो तो मुझे दे दीजिए, मैं उनके खिलाफ भी आवाज़ उठा दूंगा और यहाँ से लेकर धरना से लेकर के उनको भी सबक सिखाने का काम करेंगे। देखिए, पूरी तरीके से कमर कस ली है और मेट्रो के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार हैं उनके बारे में बात हो रही है, कुछ आप कहना चाहोगे? हाँ जी, मेरा नाम विष्णु है, मैं भी 2 महीने से घर पर ही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे भाईचारे सब आ रहे हैं। आज की परमिशन हमें मेरे नाम से ली गई है 25 तारीख को, और यही है बस। कि कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि हमें न्याय मिलना चाहिए और हमारी ड्यूटी रिस्टार्ट होनी चाहिए दोबारा से, कोई हमें पैसा नहीं देना पड़े और GST के नाम पे ठगी बंद हो जाए, और हमारी कोई शिकायत नहीं है और हमें लिखित में चाहिए हमारी ड्यूटी। ये नहीं है कि अब हमको ड्यूटी कह के ले लें और फिर 10 या 20 दिन ड्यूटी करवाई उसके बाद हमको फिर निकाल दिया, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमें लिखित में अपनी ड्यूटी चाहिए मान सम्मान के साथ,
जो हमें बाद में बीच में तंग नहीं होना पड़े। ये धरना उसी दिन बंद होगा जिस दिन ये अपनी करे हुए भ्रष्टाचार को कबूल कर लेंगे, और कबूल करने के बाद ये एफिडेविट पे नहीं अपने लेटर हेड पे और एफिडेविट पे लिख के देंगे कि किसी भी बच्चे से नौकरी के नाम पर घूसखोरी नहीं की जाएगी, खुलेआम भर्ती करेंगे, किसी भी बच्चे से जीएसटी के नाम पर ठगाई नहीं करेंगे, और किसी भी बच्चे से जीएसटी के नाम पर और रीजोनिंग के नाम पर पैसा नहीं लेंगे। धरना उसी दिन ख़त्म होगा, वरना ये धरना ऐसा ही चलता रहेगा तो मैं सबक सिखाने का काम करेंगे। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा उनको कंपनी वालों से, सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। नहीं, वक्त बहुत ख़राब आने वाला, ये धरना बंद नहीं होगा, आगे तक धरना चलेगा। बबलू को जान से एक ओरियन के मैनेजर ने धमकी दी कि बबलू तुमने मेरे खिलाफ़ आवाज़ उठाई तो तुम्हें जान से मार देंगे। मैंने कहा बेटा कितने आए और कितने चले गए, जान से मारने के हौसले जिसके हौसले बुलंद होते हैं ना उसको कोई नहीं मार सकता है। बबलू अमर है, बबलू तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, तुम डर रहे हो, तुम डर नहीं रहे हो तो धमकी क्यों दे रहे हो? तुम चोर हो, तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, तुमने दो नंबर की संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, तुम्हारी सीबीआई जांच होने वाली है, इसलिए तुम डर रहे हो। बबलू को धमकाने से काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, क्या कहेंगे। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। जब इस धरने के लिए बैठे हैं तो अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं। अब चाहे 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, जब तक इसका न्याय नहीं मिलेगा मैं भी इस धरने में बैठी रहूँगी, क्योंकि मैंने अपनी बच्चियों के लिए इस ऑफिसों के 6 महीने चक्कर काटे हैं। अगर मैं अभी कल 2 लाख दे दूँ तो मेरी गुड़ियाओं की कल ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन 6 महीने से उनके पास में अभी तक क्या कहते हैं वैकेंसी नहीं है, ये क्या के टाल दिया गया है। तो मैं तो इस लड़ाई में आखिरी, जब तक इसका न्याय नहीं होगा मैं लड़ती रहूँगी। अब तो मेरे साथ जनसंख्या जो है ना वो ज़्यादा ही बढ़ रही है कि लोग, नंबर मेरा सरकारी हो रखा है मेट्रो के अंदर, कोई भी रात को फ़ोन करता 12 बजे फ़ोन करे, रात के दिन में करे, मैं अटेंड करता हूँ, अगर नहीं उठा पाता हूँ ना तो मैं बैक कॉल करता हूँ, तो कहते भैया मेरे पास एविडेंस है, ओरियन कंपनी से बोल रहा हूँ। मैंने कि बताइए कि भैया मैं 80,000 दे के आया हूँ, सुपरवाइजर मुझसे दलाली करता है, सैलरी मिलती है तो कहता सैलरी तुम्हारी आ गई कि हाँ आ गई कि लाओ इधर साइड में दे दो, पार्क में लेता है कहीं उधर, ऑनलाइन नहीं लेता है। मैंने की बात आपके पास क्या एविडेंस है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन भी हैं, रिकॉर्डिंग भी है, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि दोनों कंपनियों के खिलाफ, ओरियन कंपनी और जेएमडी कंपनी, दोनों कंपनियों के खिलाफ मैं भाइयों से कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और इनको सबक सिखाने का काम करें। मैं दोनों कंपनियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ 25 तारीख को मैं धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे, मेरा धरना 1 महीने चले, 1 साल चले, 2 साल चले, मैं तब तक हार मारने वाला नहीं हूँ जब तक इनको जेएमडी और ओरियन को भगाने का काम करेंगे, इन भ्रष्टाचारियों को जेल पहुँचाने का काम करेंगे, इन भ्रष्टाचारियों के जेएमडी और ओरियन के मैनेजर और सुपरवाइजरों की फर्जी डॉक्यूमेंट की जाँच होगी, उसके बाद इनको जेल जाने का काम करेंगे। ये अपने अभी भी वक्त है, अपने करे हुए पर अभी भी लिखे दे दें कि सभी बच्चों को वापस लिया जाता है, लिखित में दे दें, और किसी भी बच्चे से जीएसटी के नाम पर घूसखोरी नहीं की जाएगी, और खुलेआम भर्ती होगी, भर्ती के नाम पर पैसा नहीं लिया जाएगा, और क्या बोलते हैं जीएसटी के नाम पर नहीं लिया जाएगा, रीजोनिंग के नाम पर नहीं लिया जाएगा, धरना कल बंद हो जाएगा। वरना 1 महीने चले, 1 साल चले, तुम कितने भी चेक लगा लेना, कितनी भी परमिशन के लिए रोक लेना, ये धरना बंद नहीं होगा। धरना चलना, धरना होगा और धरना चलेगा। आपको सबक सिखाने का काम बबलू सिंह करेगा और करता आया है, ये यही प्रेरणा लेके आया है कि मेरी माँ ने किया है बाधा, तब तक नहीं लौटूंगा जब तक तुमको हरा के नहीं लौटूंगा। देखिए सीधे सीधी बात है, बहुत संगीन आरोप हैं जो मेट्रो के अंदर जो कंपनियां लोगों को नौकरी प्रोवाइड करती है उनके पास ऊपर सीधा सीधा आरोप है, बड़े गंभीरता का से आरोप है कि किस तरीके से वो नौकरी लगाने के नाम पर कुछ पैसे लिए जाते हैं उनसे, और उनकी जो तनख्वाह आती है उसमें से भी कुछ काटा जाता है। गंभीर आरोप हैं, संगीन आरोप हैं, लगातार धरना चल रहा है जंतर मंतर पे, कम से कम नहीं तो 5-6 बार तो हो ही चुका है, और अगली तारीख और दे रहे हैं 25 तारीख को के होगा। आपको क्या लगता है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं वो कितने गंभीर हैं, और मेट्रो को खुद ही लेवल पे अपने जांच बिठानी चाहिए, क्योंकि मेट्रो खुद इनिशिएटिव लेगी तो कम से कम इनसे बात करे या आपस में बात हो, कुछ तो इनका निपटारा हो, क्योंकि आग वहीं, धुआं वहीं होता है जहाँ आग होती है, और कुछ ना कुछ तो है तभी ये सब हो रहा है। क्या नंबर से फ़ोन उठाया
तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो उनको मैं बोलना चाहूँगा, बच्चों को हड़काने का काम ना करें। अगर आप सही हैं तो अपने सही दिशा में आ जाइए। उनको हड़काएंगे, एक को हड़काएंगे, चार आ जाएंगे। आपको जेल जाने का वक्त आपका आ गया है। उनका मोबाइल छीन लेते हैं कि भैया बबलू का फ़ोन तो नहीं आया, बबलू तो नहीं आया। गंभीर ऐसी माहौल बन चुका है कि शांति बनने के कगार पर है, शांति बनेगी। मगर मैंने एक संकल्प लिया है कि मेट्रो के अंदर भ्रष्टाचार बंद करके, भ्रष्टाचार खत्म करके ही ये सबक सिखाने का काम सिर्फ बबलू करेगा, बबलू की टीम करेगी। इनको सुधरना पड़ेगा, इनको जेल जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको क्या लगता है इनके आरोप में कितने गंभीर हैं? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पटेल की मूर्ति के सामने से। मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।